दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज माइग्रेशन की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। नोटिस आप देख सकते हो, ठीक है। ये अभी आप लोग कल का नोटिस है वैसे, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो 10 नवंबर से पहले। आप दिख रहा होगा आप लोगों को, द लास्ट डेट फॉर इंटर कॉलेज माइग्रेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 इज एक्सटेंड टिल 10-11-2022 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट माइग्रेशन इज अलाउ ओनली थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ईयर वाले जो थर्ड सेमेस्टर में, जो सेकेंड ईयर में हैं, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट 10 नवंबर तक है। काफ़ी बच्चों के रिजल्ट नहीं आए थे सेकंड सेम के, तो बच्चे कहते हैं अब हम माइग्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के रिजल्ट लगेंगे, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो अदर डॉक्यूमेंट है मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आप लोगों को, आप जब अप्लाई करो किसी भी कॉलेज में अप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल आप कालिंदी कॉलेज से हो और आप अप्लाई करना चाह रहे हो देशबंधु कॉलेज में, तो देशबंधु कॉलेज में माइग्रेशन देखना कि किस कोर्सेज में माइग्रेशन अभी अलाउ है, यानी किस कोर्सेज में अभी माइग्रेशन के लिए सीटें अभी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से कोर्सेज में सीट अवेलेबल नहीं है। मैं इनफैक्ट देशबंधु की बात करूँ तो 3 से 4 ही कोर्सेज हैं जिनमें माइग्रेशन पॉसिबल है, अदर कोर्सेज के फुल हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी आपको इस तरीके से चेकआउट करना पड़ेगा जिसमें अप्लाई करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल केएमसी में करना है आपको अप्लाई, तो वहाँ पे वेबसाइट पर जाकर चेकआउट करना पड़ेगा कि वहाँ पे, और ये डिटेल आज से नहीं 2 महीने पहले आपका माइग्रेशन का नोटिस मिलेगा, ठीक है। तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है माइग्रेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पर पूछ सकते हो।